विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में, ई पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं और उसकी क्या सीमाएं हैं। लिमिटेशंस होती हैं सीमाएं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी विशेषताएं। ठीक है, द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर, कंप्यूटर की जो तरह तरह की विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं। ठीक है, स्पीड सबसे पहला पॉइंट है। स्पीड, स्पीड मतलब उसकी तेजी, काम करने की जो स्पीड है। कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट मशीन दैट कैन परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन फ्यू सेकेंड्स। कंप्यूटर जो है एक फास्ट, बहुत ही फास्ट मशीन है, जो दैट कैन परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हजारों के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को विद इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में परफॉर्म करती है। ठीक है, कुछ ही चंद ही सेकेंड्स में ये सारे के सारे काम कर लेता है कंप्यूटर। ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है। अब बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की, मतलब इसमें शुद्धता की। तो उसका सेकेंड नंबर पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। दी एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी हाई। अब कंप्यूटर के जो काम करने की जो शुद्धता है वो बहुत ही ज़्यादा है। एरर्स कैन ऑकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, गलतियाँ हो सकती हैं ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स। ह्यूमन्स मतलब हम मानवों की गलतियों के कारण गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अपने आप गलती नहीं करेगा कंप्यूटर। थर्ड पॉइंट है स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन इट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज ऑन हार्ड डिस्क। ठीक है, स्टोरेज मतलब संचय करना। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर जो है बहुत ही भारी मात्रा में, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत ही भारी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है ऑन इट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, अपनी दूसरी स्टोर करने वाले उपकरण के ऊपर, जैसे कि हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे आप मेमोरीज के बारे में भी, कि सेकेंडरी की होती है और प्राइमरी की होती है। वैसे सिंपल से शब्दों में बोलूँ तो उस प्राइमरी में होती है हमारी रैम और रोम, और सेकेंडरी में आती है हमारी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी। ठीक है, वो आती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी मतलब दूसरी, प्राथमिक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी होती है दूसरी। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट है नो टायर्डनेस। नो टायर्डनेस मतलब टायर्डनेस होती है थकना, थकने को बोलते हैं ना, नो टायर्डनेस, बिना थके हुए। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल कॉम्प्लिकेटेड टास्क विदाउट शोइंग एनी टायर्डनेस। कंप्यूटर जो है कैन परफॉर्म ऑल कॉम्प्लिकेटेड टास्क। कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुश्किल काम। ठीक है, कंप्यूटर जो है बहुत से जितने भी मुश्किल काम हैं उनको विदाउट, बिना शोइंग एनी टायर्डनेस, बिना किसी थकावट को दिखाए हुए कर सकता है। ठीक है, नो टायर्डनेस। वर्सैटिलिटी, फिफ्थ नंबर पॉइंट है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी मतलब प्रतिभाशाली। अब देखो कैसे है कंप्यूटर प्रतिभाशाली। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। एक कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे काम जो है एक ही समय में कर लेता है, सच एज जैसे कि लिसनिंग म्यूजिक, गाना सुनना, वर्ड प्रोसेसिंग टास्क, वर्ड प्रोसेसिंग वाले काम करना, मतलब लिखना वहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखना वो वाले काम, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, साथ साथ में डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करना। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है, बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकता है। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, इसकी सीमाएं कहाँ तक है, कहाँ तक ये सीमित है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है नॉट इंटेलिजेंट, बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, अ कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट, कंप्यूटर जो है वो बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है ये, बिकॉज इट कैन नॉट मेक डिसीजन ओन इट सेल्फ, क्योंकि ये अपने आप जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, लेकिन अब आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स है ना, खुद ही सोच रहे हैं, करते तो काम वो कमांड्स पे ही है। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आने वाले टाइम में जो है कंप्यूटर को भी कृत्रिम बुद्धि दे दी जाएगी, वो खुद ही सोचेगा, खुद ही काम करेगा, लेकिन वो हम ह्यूमंस के लिए वो वरदान होगा कि अभी साफ होगा, ये हम अभी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन डिपेंडेंसी, मानवों के ऊपर निर्भरता, मतलब हमारे ऊपर निर्भरता। अ कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स,
कंप्यूटर जो है हम मानवों के ऊपर निर्भर करता है, मानव प्राणियों के ऊपर निर्भर करता है, बिकॉज क्योंकि इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि यह उस इंटेलिजेंट उस बुद्धि के ऊपर काम करता है, उस बुद्धिमत्ता के ऊपर काम करता है जो हम इंसानों ने इनको दी हुई है। ठीक है, नो फीलिंग्स, कोई भी अनुभव नहीं, कोई एहसास नहीं, फीलिंग्स मतलब एहसास। ठीक है, नो फीलिंग्स, कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स एंड इमोशंस, कंप्यूटर के कोई भी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ फील नहीं करता है, ना तो उसकी इमोशंस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर, जैसे सिंपल से शब्दों में बोलना कि कंप्यूटर मान लो कि ये थक जाए, नखरे करेगा या बोलेगा कि मैंने काम नहीं करना है, या इसकी कोई फीलिंग रोने लग पड़ेगा, या इसको दर्द होगा, है ना, इस तरह की चीज़ों को बोल देते हैं हम फीलिंग्स और इमोशंस। कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते हैं, नो एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव नहीं। अ कंप्यूटर डज नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, कंप्यूटर जो है वो भूतकाल के अनुभवों से कुछ भी नहीं सीखता, जबकि हम ह्यूमन जो है ना, अगर हमने कोई गलती की होगी पीछे भूतकाल में, तो उस गलती को हम दोबारा नहीं दोहराते हैं। ठीक है, अ कंप्यूटर डज नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि कंप्यूट कहने का मतलब कि कंप्यूटर जो है वो पिछले जितने भी अनुभव हुए होते हैं उनसे ये कुछ भी नहीं सीखता, जबकि इंसान सीखते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की सीमाएं है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था इतना ही काफ़ी था, कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय हिमाचल।